गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर इज एवरीथिंग फाइन एवरी आवाज आपको आ रही है यस यस या नो आवाज आ इफ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एफ एम आई ऑडेबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को एक सेकंड एक सेकंड मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ क्या मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ओके सो दिंग विच इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और इसमें अभी तक हम सभी इंटरनेट का स्पीड स्लो चल रहा है क्या इंटरनेट का स्पीड स्लो, स्लो चल रहा है क्या नहीं ना एक बार सभी लोग इंटरनेट का स्पीड ठीक चल रहा है एवरीथिंग इज फाइन यस एवरीथिंग इज फाइन यस इज फाइन इज फाइन आवाज आ रही है यस नो यस नो यस 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 सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यू ऑल आर वेलकम इन दिस स्पेशल सेशन राइट क्योंकि ये जो क्लास होगा आज का वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ओके okay? बहुत ही अच्छा होगा ओके क्लियर आ जाओ राइट क्लियर तो आज मैं यहां पे आपको यूनिट प्लेस डिजिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम जिसके बेसिस पे यूपीएससी ने जो लास्ट में अभी भी क्वेश्चन पूछा है सो दिस इज द महा सीरीज राइट एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए राइट right है ना मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि यह सेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा जाना है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या है इंपॉर्टेंट है क्या है इंपॉर्टेंट चलिए चलिए तो शुरुआत करें बाकी आप सभी को पता है यहां पे ठीक है अन अकेडमी पे आपको अगर आपको अन अकेडमी पे किसी भी कोर्सेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं राइट तो ये ऑफर फॉर द फ्रीडम फेस्टिवल के लिए है जहां पे आपको 50 परसेंट डिस्काउंट मिलता है 50 परसेंट डिस्काउंट राइट और और ये यूपीएस अच्छा मुझे एक बात आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है आपका ड्रीम राइट सर ये ढोको लोलो कब से शुरू किए कि आप ये ढोको लोलो सीरीज चल रहा है ठीक है अभी आपको देखना अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो सच में महा ढोको लोला है ठीक है ओके एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ठीक है बाकी आपका क्या टारगेट जिसके अकॉर्डिंग जो भी हो एक आरंभ बैचेज है प्रतिज्ञा बैचेज है और है ना मंथली पे कर सकते हो करंट अफेयर्स वगैरह है ऑफलाइन वगैरह है जो मन करे वो आप ज्वाइन कर सकते हो चले शुरुआत करूँ क्या आप सभी लोग रेडी हैं आर यू रेडी इफ यू ऑल आर रियली रेडी देन प्लेज राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आप सभी लोग रेडी हैं क्या आप सभी लोग रेडी हैं एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और ये होगा हमारा यूनिट प्लेस डिजिट जो है हमारा नंबर सिस्टम मैं आपको फिर से बता दूं इस बार यूपीएससी ने यूनिट प्लेस डिजिट से एक क्वेश्चन पूछा था पूछा था 2.5 मार्क्स का राइट तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन है इसलिए हमें इस कंप्लीट सब टॉपिक टॉपिक कोई पढ़ लेना है हालांकि मैंने ये अपना जो हमारा जो पेड कोर्सेज का जो बैच चलता है राइट है ना बहुत सारे बच्चे ने उसमें एनरोल किया था राइट है ना आपने देखा होगा अकेडमी पे भी राइट है ना तो वहां पे हमने इन चीजों को हमने कवर बहुत अच्छे तरीके से किया था ठीक है सबको क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार यार मज़ा नहीं आ रहा है एक बार आप सभी लोगों ने शेयर नहीं किया राइट है ना मैं चाहता हूँ कि एक बार शेयर कर दीजिए इतने कम बच्चे कैसे आ सकते हैं राइट है ना इतने कम बच्चे कैसे आ सकते हैं इतने कम बच्चे कैसे आ सकते हैं हुं? अगर ये साढ़े तीन सौ बच्चे नहीं हुए साढ़े तीन सौ चार सौ तो मैं क्लास नहीं करूंगा ठीक है तो मैं क्लास नहीं करूंगा ठीक है क्लास को फिर मैं ऑफ कर दूंगा रियली आई विल नॉट स्टार्ट दिस सेशन ठीक है फिर मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा ऐसा मेरा मानना है ऐसा मेरा मानना है ठीक है ऐसा मेरा मानना है ठीक है अगर आप अगर आपने अभी तक नहीं किया तो क्योंकि इतने कम बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ ठीक है एक तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ ठीक है ऊपर से <laughs> देखिए एक बात क्लियर करना सभी को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ चाहे यूनिट प्लेस डिजिट लिखा हो चाहे आपको एक टर्म वंस प्लेस पूछा जाए ठीक है एग्जाम में चाहे आपका लास्ट या सिंगल डिजिट पूछा जाए ठीक है इन सभी का एक ही मतलब है राइट है ना जैसे एट टू एट फाइव सेवन टू सेवन नाइन है ना इसका लास्ट में यूनिट प्लेस कौन सा है यूनिट प्लेस क्या है आपका नाइन है क्या है यूनिट प्लेस आपका नाइन है ठीक है बात सबको समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है हम इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस राइट हम क्या इसको बोलते क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट सो सिंपल राइट अब देखो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं अभी मैं धीरे धीरे अभी मैं इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा पढ़ा नहीं पढ़ाऊंगा वो बात की बात है ठीक है आप मुझे एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ जैसे कि मान लो देखो ट्वेंटी थ्री प्लस में फोर्टी फाइव राइट है ना ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टी फाइव अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको कुछ नहीं कंप्लीट ऐड नहीं करना है कंप्लीट ऐड नहीं करना है केवल ये लास्ट में थ्री ले लो और ये लास्ट का ले लो थ्री प्लस फाइव करोगे एट तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा आपका एट होगा अगर यही ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टी फाइव होता है इन है तो आप लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो थ्री फाइव जा थ्री फाइव जा फिफ्टी फिफ्टीन का क्या होगा लास्ट में आपका फाइव होगा बात समझना ध्यान से राइट जैसे मान लो है ठीक है

आपको समझ में आ रही होगी आई हो पटेल सुमेरा राहुल सबको समझ में आ रहा होगा ठीक है सबको समझ में आ रहा है राइट right? देखो फोर्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू सिक्स इंटू सेवनटीन इंटू एटीन इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, yeah. होगा? जीरो अब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा आपका जीरो आएगा आई हो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आप मुझे बताओ 82 into 86 लास्ट में बताओ क्या आएगा राइट 47 into 43 लास्ट में बताओ क्या आएगा कम ऑन कम ऑन कम ऑन आराम से करो नोट डाउन कर लीजिए सबके पास नोटबुक होना चाहिए लड़कियां अपना अपना नंबर डाल दो ये महा ढोको लोलए बेटा पढ़ाई कर ले ठीक है पढ़ाई कर ले हर किसी हर हर, हर सभी लड़कियों को आप अपना बहन समझे आप हर एक लड़कियों में तुम तुम महा ढोक तुम काम वासना की नज़र से क्यों देखते हो है तुम काम वासना की नज़र से क्यों देखते हो ठीक है ना तुम ऐसा भी तो सोचो कि आपकी बहन है बहू है है ना आपकी बेटी है आप इस नज़र से भी तो देख सकते हो माँ हो सकती है है ना दीदी हो सकती है फूफा हो सकती है आपकी मासी हो सकती है आपकी नानी हो सकती है आपकी दादी हो सकती है आपकी चाची हो सकती है समझ में मारे ना गलत तरीके से मत देखो यार है ना गलत तरीके से मत देखो ऐसे से ढोक लो नो हमारे क्लास में आ जाते हैं हमें तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो तो तुम्हारे सारी सुविधाएं मैं कर दूंगा तुम एक बार पहले पहले लवासना लवासना तो पहुंचो पहले लवासना पहुंचो कितना आएगा ट्वेल्व का टू और सेवन थ्री जा करेंगे लास्ट में कितना आएगा आपका वन आएगा ठीक है तो ये आपका टू हो गया ये लास्ट में आपका वन हो गया आई होप मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा ये जो हमारा जो बेसिक्स जो पॉइंट है राइट है ना आई होप मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा ये जो हमारा जो बिल्कुल बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है है ना ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि भाई किस किस तरीके से करो केवल लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो थ्री सिक्स थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स जा एटीन नाइन टू जा इस बिल्कुल लास्ट से करना है ठीक है अब मैं आपको अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं ध्यान से अब देखना अब ये आपका मेन रोल तो अब स्टार्ट होगा अब आप मुझे बताओ यूनिट प्लेस पर जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं राइट है ना आपको केवल इसको सुनना है आपको केवल इसको सुनना है आपको यूनिट प्लेस के ऊपर यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस में क्या कौन-कौन सा डिजिट हो सकता है यूनिट प्लेस पर कौन-कौन सा डिजिट हो सकता है कौन-कौन से नंबर नंबर तो बहुत होते हैं डिजिट बताओ यूनिट प्लेस पर कौन-कौन सा कौन-कौन से जो है आपका डिजिट हो सकता है यूनिट प्लेस के ऊपर ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ यह मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ शुभ त्यागी बी नंदनी वेरी गुड आशीष कुमार भारद्वाजी वैष्णवी सभी लोग सभी लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए इतने सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने सेशन को लाइक नहीं किया राइट सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो ताकि आपको सब कुछ समझ में आए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए राइट इज इट क्लियर क्या क्या हो सके जरा खुद भी सोचो खुद भी सोचो बात सबको समझ में आ रही है ठीक है सर ठीक है देखो देखो अगर मैं यूनिट प्लेस डिजिट की बात करूं ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चे जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है सिक्स हो सकता है सेवन हो सकता है एट हो सकता है और ये नाइन हो सकता है इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होगा एट द यूनिट प्लेस ओके अब देखो मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो ठीक है अगर आप इस कॉन्सेप्ट से यानी ए सी चलने से ठंड लग माथा भी दर्द होता है क्या न? ऐसे दर्द तो नहीं होना चाहिए ठीक है देखो हम इस पेयर को एक साथ पढ़ेंगे इसको हम एक साथ पढ़ेंगे और इसको हम एक साथ पढ़ेंगे ठीक है तो ये हमारा ये ये हमारा फर्स्ट ये हम ये हम सेकंड वेब में पढ़ेंगे और ये हम अभी थर्ड वेव में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहली बात जीरो वन फाइव सिक्स मैं इसकी बात आपको कह रहा हूं आप ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे बताओ जीरो की पावर अगर वन करोगे तो जीरो जीरो की पावर अगर आप टू करोगे जीरो जीरो की पावर अगर आप थ्री करोगे जीरो भाई साहब जीरो की पावर कुछ भी करो एनी क्या आएगा आपका जीरो हाँ या ना जीरो के पावर कुछ भी करें वो आपका जीरो ही होगा इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है सर अगर सिर्फ सी का आपका बैच लेना है अनकेडमी से मिल सकता है क्यों नहीं मिल सकता है महा ढोको लो, लो सर बफरिंग हो रही है बफरिंग हो रही है बफरिंग हो रही है बफरिंग तो नहीं होना चाहिए यार, बफरिंग hmm? तो नहीं होना चाहिए बफरिंग हो रहा है क्या बफरिंग तो नहीं होना चाहिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए बफरिंग नहीं हो रहा है मां इतना चक्कर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो है. है ना देखो उसके बाद देखो अगर मान लो वन है वन की पावर अगर आप वन करोगे वन वन की पावर टू करोगे आपका वन वन की पावर थ्री करोगे आपका वन वन की पावर फोर करोगे आपका वन वन की पावर एनीथिंग एनीथिंग यानी कुछ भी ढोको लो लो महा ढोको लो लो आपका वन होगा ध्यान से सुनते चलिए ध्यान से ध्यान से सुनना ठीक है फिर देखो फाइव है ठीक है फिर देखो फाइव है फाइव की पावर वन करोगे फाइव फाइव की पावर टू करोगे ट्वेंटी फाइव लास्ट डिजिट से आपको मतलब है आपका मतलब केवल और केवल यूनिट प्लेस वाली डिजिट से है फाइव की पावर अगर आप थ्री करोगे तो ये आपका वन टू फाइव आएगा फाइव की पावर अगर आपका फोर करोगे सिक्स टू फाइव आएगा फाइव की पावर अगर आप फाइव करोगे तो थ्री वन टू फाइव आएगा मेरे प्यारे बच्चे आप देखना ध्यान से देखो ध्यान से यहाँ भी फाइव 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 इसका मतलब फाइव की पावर कुछ भी हो एनी थिंग एनी थिंग लास्ट में तो आपका फाइव ही होगा ध्यान से पढ़ो यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी में इसी साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे क्लास को करने के बाद तुम क्वेश्चंस को उड़ा रख दोगे है ना बहुत ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स सभी लोग सेशन को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें है ना ऐसा मेरा मानना है आपके साथ देखो सिक्स की पावर वन करोगे सिक्स सिक्स की पावर टू करोगे थर्टी सिक्स सिक्स की पावर थ्री करोगे टू वन सिक्स सिक्स की पावर फोर करोगे वन भाई साहब सेक्स की पावर कुछ भी करोगे कुछ भी करोगे लास्ट में आपका सेक्स आएगा जैसे यहाँ यहां सेक्स, यहां सेक्स। का मतलब ये रहा इसको पहले नोट डाउन करो अगर ये वाले बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज सभी लोग कमेंट सेक्शन में आई आई टी टाइप करें आई आई टी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें आई आई एम टाइप करें क्लियर इट क्लियर इट क्लियर इतने कम बच्चों इतने कम बच्चे कैसे काम चलेंगे यार ढाई सौ इतने कम बच्चे टू फिफ्टी के आसपास बच्चे देख रहे हैं इतने कम बच्चे कोई बात नहीं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद क्लास को ऑफ कर दूंगा ठीक है प्लीज अगर क्लास में पढ़ना है एनर्जेटिक रहना है दिखना है तो मुझे भी एनर्जेटिक रखना आपका कर्तव्य बनता है ठीक है है ना ये नहीं कि ढोको लो लो जैसे तुम आ रहे हो क्लास में और तुम कुछ भी सोच रहे हो और कर रहे हो नो नेवर राइट अगर मैं क्लास में हूँ तो आपको भी मेरे साथ क्लास में होना पड़ेगा ऐसा थोड़ी एक मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ क्या ये वीडियो रिकॉर्डेड है आपके मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ वैष्णवी है क्लास में प्रिया गौतम है अनन्या कपूर है आकाश है निशा कुमारी है कविता है लल जी है कविता कहाँ से हो प्रिया गौतम सुभाष श्री पांडा सचिन भारद्वाज कार्तिक के राइट इतने सारे बच्चे क्लास में हैं ठीक है जब मैं आपके आपके साथ में कनेक्टिविटी हूँ तो आपका भी तो रहना पड़ेगा ना यार आप भी तो रहोगे ना यार ऐसे कैसे काम चलेगा हैरी गैरी है सर शादी की गलती है सौ क्यों ठीक है ओके ठीक है अब देखो मैं आपको बताता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब ये हो गया इसमें कि भाई जीरो फाइव वन सिक्स हो इसका जो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या होगा वो आपका सेम डिजिट होगा क्या होगा आपका सेम डिजिट होगा क्या होगा आपका सेम डिजिट होगा मैं चाहूंगा कि इसको सेम डिजिट सेम डिजिट सेम डिजिट कमेंट सेक्शन में दस बार लिखो जो नहीं लिखेगा सेम डिजिट में दस बार लिखो सेम डिजिट सेम डिजिट दस बार लिखो आज जो नहीं लिखेगा भगवान करे उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा अगर नहीं लिखना चाहते तो मुंह से बोल लो आसान कृपा करो जहां बैठे वहां मुंह से बोलो सेम डिजिट फोर जीरो वन फाइव सिक्स सेम डिजिट फोर जीरो वन फाइव सिक्स सेम डिजिट फॉर जीरो सिक्स सेम डिजिट, फोर 0156, सेम डिजिट

किसके लिए फोर वो जीरो वन फाइव सिक्स सेम डिजिट फोर जीरो वन फाइव सिक्स सेम डिजिट फोर जीरो 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 दस बार बोलो बीस बार बोलो ठीक है जहां बैठे वहाँ बोला करो ठीक है ना बोला करो लिखने का मतलब एक बार लिख दो चल जाए लेकिन से बोल दिया करो ठीक है ना क्योंकि जीरो वन फाइव सिक्स अब आप देखो आपको कितना मजा आएगा देखो अब आप देखो आपको देखो, आप देखो मैं आप देखो मैं केवल आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अब देखो अब कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा ना तुम क्वेश्चन को हिला दोगे कहते हैं देखो कैसे दोगे देखो वन टू फाइव की पावर टू फाइव सिक्स ठीक है ओके फाइव वन सिक्स वन की पावर वन सिक्स टू बताइए ठीक है एट थर्टी सिक्स की पावर एट थर्टी सेवन बताइए बताइए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा पहले आप क्या करते थे पहले आप डिवाइड करते होंगे बहुत सारा कांड करते होंगे लेकिन आप मेरे क्लास में रहोगे बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाओगे आपको लगा देखो देखो कमेंट सेक्शन में नॉलेज की बरसात हो रही ज्योति रानी पूजा वर्मा भी है बहुत सारे सेम डिजिट है मुँह से बोल लो ना कोई दिक्कत नहीं मुंह से बोल लो पता है क्लास में मैं आपको क्या कहता हूँ आप कोई भी बुक मत खरीदो सी साइड के लिए ठीक है किसी का कुछ भी मत लो, कोई भी कोर्स फोर्स मत लो, बस रेली अब रात को दस बजे एक नोटबुक ले लो नोटबुक थोड़ा तो बना लो अच्छे तरीके से ठीक है और उसमें आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओ देखो डेली क्लास चलती रहेगी ठीक है ठीक है सेम डिजिट सेम डिजिट सेम डिजिट सेम डिजिट रंजीत रेड्डी हाउ आर यू डॉक्टर रंजीत रेड्डी इज एवरीथिंग फाइन निशांत इज एवरीथिंग फाइन या देखो सो द पॉइंट इज दैट माई डियर इज वाट देखो तो तो फाइव की पावर कुछ भी हो भाई साहब फाइव ही होगा से वन की पावर कुछ भी हो तो आंसर इसका वन ही होगा सिक्स के पावर कुछ भी हो आंसर इसका सिक्स ही होगा अगर ये तीनों आंसर समझ में आ गई सबको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एस के एस ते टैन टाइप कीजिए ठीक है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है अब देखो मैं आपको देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है ना अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे ठीक है देखो देखो वन टू थ्री सिक्स के पावर थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन और ये फोर्टी ठीक है पच्चीस के पावर छब्बीस के पावर सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस फिफ्टी बताओ सिक्स के पावर सिक्स 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 इन्फिनिटी ठीक है ट्रिपल वन की पावर बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। आप मुझे बताओ क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इज इट क्लियर इज इट क्लियर यस या नो बताओ ठीक है एट टू एट फाइव सेवन टू सेवन नाइन सिक्स वन ठीक है सिक्स वन ठीक है ठीक है ये किसका ये क्या है देखो ये मोबाइल नंबर है यह किसका मोबाइल नंबर है एट टू एट फाइव सेवन टू सेवन नाइन सिक्स वन ये किसका मोबाइल नंबर है कोई बता सकता है ये किसका मोबाइल नंबर है दस डिजिट का मोबाइल इसके पावर अगर नाइन एट वन जीरो हो तो बताओ क्या होगा बहुत सारे बच्चों को पता होगा किसका है हाँ कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर आपका है पिंकी बता रही है सर आपका है जिसके पास नहीं वो लिख लो ठीक है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आप अपना नेम लिख देना एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूर लिखना मीडियम ज़रूर लिखना कहाँ के रहने वाले वो जरूर लिखना ठीक है कुछ भी पूछना हो मैसेज करके आप पूछ सकते हो नंबर सेव करवा सकते हो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस देख सकते हो ठीक है ये मैंने आपको दे दिया नंबर सिस्टम के अंतर्गत ठीक है बताओ क्वेश्चंस बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं आ सकते हैं कि नहीं आ सकते इस बार भी लॉजिकल ही पूछा हमेशा ऐसा ही पूछेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा तनुज गुप्ता कह रहे इतना कॉम्प्लीकेट देखो तनुज गुप्ता जी ये अलग बात है कि मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया ठीक है मैं मैं समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूं ठीक है ना लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार आप तो टिपिकल चीजें पढ़ के जाइए ना क्या फर्क पड़ता है, है कि ना आप कॉम्प्लिकेटेड पढ़िए जब मैं हूं तो इसमें दिक्कत क्या है जब मैं हूं तो क्या दिक्कत है जब मैं हूं तो क्या दिक्कत है जब मैं हूं तो आपको क्या दिक्कत है जब मैं हूं तो आपको क्या दिक्कत है मैं आपको समझाऊंगा ना जी क्लियर क्लियर इज क्लियर देखो सो नॉलेज गेन करने के लिए दिए हैं प्रचनानंद एजुकेशन नम्, आपका नंबर ये दिस इज माय नंबर ठीक है ये मेरा नंबर है देखो देखो भले मैं आपको सच बताऊं वाकई में ये क्वेश्चन टफ है सच बताऊं वाकई में टफ है अच्छा एक बात बताना पहले बताता हूं फिर बाद में बताऊंगा ठीक है पहले ध्यान रखना ठीक है भाई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना जो मेरे टेलीग्राम पे नहीं है ठीक है ना मैं उसके लिए अपना टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं देखो सी सैट स्पेस बाई स्पेस संजय फिर एक बार स्पेस लिखना कुमार फिर सा स्पेस का मतलब कोई अंडर स्कोर नहीं है सीधा सी सैट एक बार स्पेस बाई संजय कुमार शाह राइट है ना ये जो है ना ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है ये क्या है ये जो है ये मेरा टेलीग्राम है ना इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है कुछ भी हो ठीक है देखो भाई साहब यहां सिक्स है सिक्स के पावर कुछ भी हो आंसर सिक्स होगा सो सिंपल सिक्स के पावर कुछ भी हो आंसर क्या होगा सिक्स होगा सिक्स के पावर कुछ भी हो आंसर क्या होगा देखो एक बच्चे ने हाई सर लिखा है हाई सर मत लिखो यार नेम वेम लिखो एजुकेशन बैकग्राउंड लिखो सब कुछ लिखो ना फाइव फाइव यूनिट प्लेस से आपको मतलब है देखो आगे अगर कुछ भी लिखा हो एट देखो आगे सिक्स फाइव फोर थ्री इससे कोई मतलब नहीं है के, के मतलब आपका केवल मतलब यूनिट प्लेस है फाइव फाइव का पावर कुछ भी हो क्या आंसर आएगा आपका फाइव आएगा और जैसे सिक्स है शिक्स के पावर इंफिनिटी कुछ भी हो कोई मतलब ही नहीं आपको लेना है। so या वन है वन की पावर कुछ भी देखो तो ऐसा क्वेश्चन मुझे पता है अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो तुम फरफड़ा नहीं जाओगे झूठ मत बोलना ईमानदारी से बताना तुम फर तो कमेंट सेक्शन में एफ टाइप करो अगर नहीं फर तो एस टाइप करो यस या नो एफ अगर आपको फरफराहट होगी तो एफ नहीं फरफराट होगी तो एस करो अगर आप ऐसा क्वेश्चन देख लेंगे एग्जाम में सीधी पता वन है लास्ट में वन की पावर कुछ भी आंसर क्या होगा आपका वन आएगा ठीक है और यहां भी one, 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 one की पावर कुछ भी लास्ट में क्या होगा तो कितना आसान क्वेश्चन है ये कितना आसान क्वेश्चन है यस नो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स यस नो और देखो इज इट क्लियर इज इट क्लियर ऑल लर्नर्स आर वेलकम बट यंग लर्नर्स आर मोस्ट वेलकम इन द इन माई सेशन ठीक है ये ध्यान रखना मैं हमेशा, मैं हमेशा कहना चाह रहा ठीक है मैं हमेशा कहना चाह रहा हूँ ठीक है इट क्लियर एक सेकेंड यार ये बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इसको मैं जरा कर यहाँ से क्लियर ठीक क्लियर 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 इट क्लियर और नंबर सेव कर लेना तब आपको सर आपके स्टूडेंट्स हैं तो फर क्यों ठीक है हाँ? इफ आस्क लास्ट टू डिजिट अभी पाठक तो मैं अभी दो डिजिट वाला भी पढ़ाऊंगा अब टेंशन नहीं लो अभी तो मैं यूनिट प्लेस पढ़ा रहा हूँ ना रुचि हो जाए अभी तो मैं यूनिट प्लेस पढ़ाऊँ लास्ट टू डिजिट थ्री डिजिट सब पढ़ाऊंगा है ना पेशेंस रखो ना एक दिन में ही सब कुछ तो नहीं होगा ना ठीक है अब देखो इसका वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा ये क्या है देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जब भी ऐसा होना है ना तो इसके बीच में आपको पता है डायरेक्टली आपको चेक करना पड़ेगा राइट देखो इसका कंटिन्यूसली फैक्टर होगा सिक्स इंटू फाइव प्लस है तो आपका आंसर इसका क्या होगा सिक्स होगा सिक्स होगा था सिक्स के पावर कुछ भी हो इसका आंसर सिक्स होगा ये आपको नहीं अभी समझ में आया होगा ठीक है ये मैं आपको कराऊंगा किस दिन शर्ट्स एंड इंडा जब मैं आपको शॉर्ट्स एंड इंडा का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा ठीक है शॉर्ट्स एंडाइसिस अभी तक बातें क्लियर है बाकी इसके अलावा अगर आपको समझ में आ गया हो साउंड स्लो है क्या साउंड स्लो है श्रीकांत साउंड स्लो है साउंड ठीक है अच्छा रहे साउंड सर पी वाला भी कराइए साउंड ठीक है ठीक होगा ठीक ठीक है तो अब आप आपका देखो अब आप आपका अब आप आपका इसमें जीरो हो चाहे वन हो चाहे फाइव हो चाहे सिक्स हो कैसा भी क्वेश्चन आएगा जीरो का कुछ भी रहेगा लास्ट में जीरो ही आएगा वन का वन ही होगा फाइव का फाइव ही होगा सिक्स का सिक्स होगा सिंपल पॉइंट एक बार में हमने चार कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया अब देखना क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना क्विकली फटाफट आपके आंसर आएंगे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ठीक है अब आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट किसके लिए करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फोर किसके लिए फोर एंड नाइन के लिए करते हैं फोर और नाइन के लिए करते हैं ठीक है, है इसको हमें समझना पड़ेगा ठीक है मानसी सचिन भारद्वाज यूपीएससी वाले प्रिंस नरेंद्र कुमार ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है।, ठीक है।, ठीक है। देखो ध्यान से देखो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना सी सैट भाई संजय कुमार से देखो फोर की पावर वन करोगे फोर फोर की पावर टू करोगे सिक्सटीन ध्यान से देखना फोर की पावर थ्री करोगे सिक्सटी फोर की पावर फोर करोगे टू फिफ्टी सिक्स कहने का मतलब यहाँ फोर है फिर यहाँ सिक्स है यहाँ फोर है यहाँ सिक्स है फोर की पावर फोर करोगे टू फिफ्टी सिक्स लास्ट में यहाँ भी फोर आएगा फोर की पावर फाइव करोगे फोर से फोर लास्ट मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी सिक्स आएगा ठीक है सॉरी फोर फाइव राइट है ना वन टू थ्री फोर सॉरी यहाँ फाइव होगा और यहाँ सिक्स होगा ठीक है फोर की पावर आप यहाँ पर सेवन करोगे लास्ट में आपका फोर आएगा फोर की पावर एट करोगे लास्ट में यहाँ पर सिक्स आएगा ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ठीक है फिर से देखो अगर आप नाइन लिखा नाइन की पावर वन लिखोगे नाइन नाइन की पावर टू लिखोगे एटी वन अभी देखो ध्यान से आप केवल सुनो और राइट डाउन करते चलो ठीक है आप केवल सुनो और राइट डाउन करते चलो अनमोल शर्मा आप केवल सुनिए और राइट डाउन करते चले जाइए ठीक है नाइन की पावर टू कितना आएगा आपका एटी वन आएगा ठीक है नाइन की पावर थ्री करोगे फिर आपका लास्ट में सेवन टू नाइन आपका नाइन आएगा नाइन की पावर फोर करोगे लास्ट में फिर आपका वन आएगा ठीक है नाइन की पावर अगर आप इसका फाइव करोगे लास्ट में आपका नाइन आएगा नाइन की पावर आप सिक्स करोगे लास्ट में नाइन नाइन या वन आएगा ठीक है नाइन की पावर अगर आप सेवन करोगे लास्ट में आपका नाइन आएगा नाइन की पावर अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एट करोगे तो लास्ट में आपका वन आएगा इतनी बात समझो बस अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एस के एस टेन टाइप कीजिए वरना आप हमें एस पी शाह का रिप्लाई करिए मेरे प्यारे बच्चे अगर आप यहां राजेंद्र नगर से देख रहे हैं करोलबाग वेस्ट पटेल नगर मुखर्जी नगर कहीं से भी अलाहाबाद प्रयागराज जयपुर पटना पूना हैदराबाद बेंगलोर आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारो दिमाग थोड़ा बहुत भी ठीक है यहीं लोग एडमिशन लेना ही है तो आप हमारा वाला सी का सिंगल कोर्स भी ले सकते हैं मैं आपके लिए बता दूं आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो और जैसे मर्जी चाहे वैसे आप पढ़ाई कर सकते हो ठीक है लो उसी का जिसका आपको समझ में आ रहा है ये ध्यान रखना ठीक है क्लियर गुंजन शर्मा पंचतंत्र नेहा कुशवाहा लक्ष्मण श्रीवती फोर फोर स्क्वायर राइट क्लियर क्लियर सर फीलिंग कंफर्टेबल विथ यू सर प्रयागराज कब आ रहे हो अभी से पाठक कह रहे प्रयागराज कब आ रहे मैं आसाम से देख रही हूँ ठीक है देखो अब मैं आपको बताता हूं आऊंगा प्रयागराज प्रयागराज में कितने बच्चे हैं ठीक है प्रयागराज से कितने मैं सोच रहा हूँ अपना प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग ही खोल दूँ सी के लिए कैसा रहेगा प्रयागराज में कितने बच्चे होंगे यूपीएससी के लिए प्रयागराज में कितने बच्चे होंगे यूपीएससी के लिए क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के रह रहे ठीक है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है नहीं तो ऐसे में अगर अपन वहाँ पे कुछ कर देते हैं तो ज़्यादा सही होगा तो बताओ यार अगर आप कहीं पढ़ रहे हो उनके पास अगर स्पेस है ठीक ठाक है क्योंकि मेरे आने का मतलब क्लास में दो तीन हज़ार बच्चे तो जरूर बैठेंगे एक बार ठीक है और लगातार तीन दिन क्लास देना है पाँच पाँच छः छः घंटे का है बिलोंग टू लखनऊ पटना आ जाइए सर जितेंद्र सिंह राजस्थान भी आइए सर बढ़िया सर राजस्थान भी आइए सर एमपी के सर सर एमपी से हैं प्रयागराज में हैं बहुत अच्छा है सब यू आर फ्रॉम कर्नाटका मधु वाराणसी वाराणसी वाले सारे बच्चों आ जाएंगे आ जाएंगे ना राजस्थान पटना प्रयागराज आओ सर कर्नाटका बिलोंग टू प्रयागराज लखनऊ में है सर चलो ठीक है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है पल्लवी मिश्रा यू आर फ्रॉम हैदराबाद ओ हैदराबाद में भी बहुत सारे बच्चे हैं क्या हैदराबाद में भी बहुत सारे बच्चे हैदराबाद में देखो अब एक चीज देखो 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 एक बात बताता हूं एक बात बताता हूं ये वन थ्री फाइव सेवन ये सब क्या ऑड नंबर है राइट right? ये सब ऑड नंबर कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर फोर की पावर में ऑड नंबर है ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या विषम संख्या कहते हैं जो वन थ्री फाइव सेवन और नाइन तो ऐसे केसेस में आंसर क्या होगा क्या होगा फोर होगा ठीक है दो चार छ आठ यूनिट प्लेस सिक्स 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 अगर फोर की पावर में इवन इवन का मतलब बोले तो सम संख्या, क्या हो? तो आठ और जीरो तो क्या आएगा यूनिट प्लस आपका सिक्स आएगा आ रही बात समझ में आ रही बात समझ में इसको थोड़ा सा और तरीके से समझे इसको आप थोड़ा सा और तरीके से अगर समझे तो मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक है जैसे मान लो ये फोर है ऑड पावर पावर क्या है अगर आपका ऑड है तो आंसर क्या है फोर है अगर इवन है तो आंसर क्या है आपका सिक्स है क्लियर इज इट क्लियर आराम से समझिए आराम से राइट हाई सर आई एम फ्रॉम जे एन के आम स्टडिंग From you lecturer since long ago you are really blessing okay भाई thank you देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये 1 है 3 है 5 है 7 है ठीक है है ना ठीक है है ना तो भाई साहब अगर मान लो ये 4 है ठीक है तो 4 की power 4 के power ये क्या है आपका odd है फोर नहीं sorry नाइन है नाइन है नाइन नाइन के पावर अगर आपका ऑर्ड है तो पावर में आंसर क्या आ रहा है आपका नाइन आ रहा है क्या answer आंसर ये आपका आंसर क्या आ रहा है नाइन 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 ही आ रहा है ठीक है लेकिन अगर नाइन के पावर में okay. दो चार छ आठ अगर के पावर इफ द पावर ऑफ नाइन इज इवन देन आंसर इज वन देन आंसर इज वन देन आंसर इज वन देन आंसर इज वन इज इट क्लियर देन आंसर इज वन इज इट क्लियर यस या नो फेवरेट स्टेट बिहार बिहार वाले भैया वाह बिहार वाले हो चलो ठीक है बात समझ में आई देखो कॉन्क्लूड ये निकलता है कॉन्क्लूड ये निकलता है मेरे प्यार में जे? अगर नाइन की केस की बात करो अगर ऑड हो तो नाइन ही आएगा इवन हो तो वन आएगा देखो ध्यान से देखो देखो कितना सिंपल एक लॉजिक देना देखो फोर की पावर ऑड हो तो फोर नाइन की पावर ऑड हो तो नाइन अगर इवन हो तो कितना आ रहा है आपका सिक्स फोर प्लस सिक्स कितना सम करोगे तो टेन नाइन प्लस वन करोगे लॉजिक देखो याद करने का तरीका याद करने ऑड में सेम आंसर फोर की पावर ऑड हो तो फोर नाइन की पावर ऑड हो तो नाइन अगर फोर की पावर इवन हो इवन हो माने यानी कि पहला जीरो फोर में क्या ऐड करोगे तो टेन आएगा सिक्स तो आंसर क्या आ गया आपका सिक्स नाइन में क्या ऐड करोगे तो टेन आएगा वन तो नाइन की पावर अगर इवन हो तो आपका वन ये याद करो दिमाग में घुसेर दो अपने आप ऐसे कॉन्सेप्ट को ठीक है क्लियर है सर याद हो गया देखो भाई मेरा तो मतलब है ना जब तक मैं आपको धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आपको दिमाग के अंदर नहीं घुसाऊंगा तब तक मुझे संतुष्ट नहीं मिलेगा ठीक है तो मुझे क्या है मैं इन सभी चीज़ों को मैं 10 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ राइट लेकिन यार बच्चे इतने थोड़ा स्लो क्यों भाग रहे हो बच्चा लोग इतना जल्दी स्लो क्यों हो रहे हैं आप चिपक के बैठिए सर गर के बैठिए सर अच्छे तरीके से बैठिए सर और पावर के लिए चार आ रहा है इवन के लिए सिक्स आ रहा है नाइन के लिए और पावर में नाइन आ रहा है इवन के लिए आप वन आ रहा है ठीक है यही कॉन्सेप्ट है सर यस यस यू आर ऑल्सो फ्रॉम बिहार सुसी विच डिस्ट्रिक्ट अब देखो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है अब देखो मैं आपको समझाता हूँ मान लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उन्नीस सौ ये पावर उन्नीस ठीक है, है आपका डेट ऑफ बर्थ है उन्नीस के पावर में टू थाउजेंड राइट है ना फिर मान लो किसी की पा, किसी का है है ना 29 के पावर में 28 27 26 ठीक है यहाँ से देखो 16 के पावर में सेवेंटी और 18 ठीक है ना चौतीस के पावर में पैंतीस छत्तीस और सैतीस राइट एट सेवन सिक्स फाइव फोर की पावर में टू थ्री फोर सिक्स टू थ्री फोर सिक्स राइट है ना। नाइन एट नाइन के पावर में एक सौ ठीक है वन टू थ्री फोर के पावर में एक सौ पंद्रह ठीक है क्लियर ओके क्लियर है ना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन के पावर में टू जीरो वन जीरो सिक्स बताओ क्या होगा आंसर आराम से बताओ आराम से सोचिए प्लीज यू कैन टेक योर टाइम सुशी समस्तीपुर आपके यहाँ पहुंच गए सर अब सबसे पहले प्रयागराज आएंगे ओके सर इस बार बनारस आइए आप बनारस से हो बनारस में यार काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन तो जरूर करने आना है हम्म सोच तो रहा हूँ जी आराम से सोचिए एजुकेशन आप पूरी से हैं पूरी से हैं तब तो जरूर आऊंगा पूरी से तो आना बनता है मेरा डेफिनेटली आई विल बी देयर पूरी वाले भैया मैं जरूर आऊंगा पूरी देखो सर मज़ा आ गया जितेंद्र सिंह एलेक्स ऑल क्वेश्चन शुड बी सॉल्व हैदराबाद डॉक्टर रंजीत रेड्डी यू आर ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद ओके कर्नाटका श्री राजस्थान जय जगन्नाथ ओडिशा हेयर सर दिल्ली में कहाँ मिलेंगे आप सलमा नदीम जहाँ कहाँ मिलेंगे बाग ही मिलेंगे राजेंद्र नगर वाह मज़ा आ गया रंजीत रेड्डी सी हेयर देखो भाई फोर की पावर आपका ऑड है तो आपका आंसर क्या आएगा फोर आएगा आएगा फोर ठीक है नाइन की पावर आपका इवन है तो क्या आएगा आपका वन आएगा इवन के लिए वन नाइन प्लस वन टेन नाइन की पावर आपका इवन है क्या आएगा आपका आंसर वन आएगा ठीक है सिक्स के पावर कुछ भी हो सिक्स फोर की पावर आपका क्या है ऑड अच्छा। है आपका क्या आएगा आपका फोर आएगा ठीक है फोर की पावर आपका क्या है इवन है क्या आएगा आंसर आपका सिक्स आएगा नाइन की पावर आपका ऑड है क्या आएगा नाइन आएगा फोर की पावर आपका ऑड है क्या आएगा, आएगा? आपका फोर आएगा नाइन के पावर आपका इवन है क्या आएगा वन आएगा क्या ये आंसर आपका आया अगर ये आंसर आपका आया तो आप इस आंसर को मैच करो प्लीज यू कैन मैच हेयर योर आंसर है ना आप इसके आंसर को मैच कीजिए प्रिया गौतम लखनऊ वेरी गुड बेटा अनिकेत रावत पढ़ाई पे ध्यान दो तुम प्रिया पे ध्यान मत दो ठीक है तुमको सब कुछ मिलेगा ठकोलो ना तुम टेंशन मत लो ना तुमको सब कुछ मिलेगा है ना सब कुछ मिलेगा थोड़ा वक्त रखो ना है ना और सब कुछ तुमको पहले ही मिल जाएगा तो तुम बोर हो जाओगे ठीक है समझ में आ रहा है क्लियर बोरियत जिंदगी जीना है या समय पर सब कुछ मिले ऐसा जिंदगी जीना है बताओ मुझे है What kind of life you want? What kind of life you want? Right? कैसा लाइफ आप जीना चाहते हैं बताइए सर पावर add नहीं करें होंगे क्या पावर add क्या चक्कर है तुम क्या समझ रहे हो भैया अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एसके स्टैंड टाइप करो राइट है ना है ना अगर नहीं समझ में आ रहा है तभी आप मुझे एस पीछे टाइप करना और सुनो। सुनोकैडमी की तरफ से किसी को भी कॉल आए तो प्लीज एस के एस टी या एस पी सारा कोड यूज करना उनको फोन पे बोल देना ठीक है तो पता चले तुम बोल दिए कुछ कोड कोई और लग जा रहा है ठीक है समझ में आ रहा है फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में जिसको भी लेना हो ले लेना कल की डेट में ठीक है कल आपका पर हमारा जूम सेशन है ठीक है अब देखो नेक्स्ट सेशन की ओर चलता हूँ देखो भाई हमने आपको हमने आपको दोनों सेगमेंट को डील कर दिया हमने आपको दोनों सेगमेंट में देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो दो का डिफरेंस आ रहा है दो दो का साइकिल क्या हो रहा है दो का हो रहा है यहां भी साइक्लिक क्या आ रहा है आपका दो दो का हो रहा है दो दो का साइक्लिक हो रहा है हो रहा है दो दो का दो दो का तो दो, दो का साइक्लिक हो रहा है ना सर तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है भाई साहब देखो सुनो ध्यान से इसमें तो आपका सेम डिजिट हो रहा है ठीक है और इसके लिए आपका साइक्लिक जो है आपका दो हो रहा है साइक्लिक आपका दो दो हो रहा है बस ये ध्यान रखना अब हम लोग इस वाले पे चलेंगे टू थ्री और सेवन एट पे चलेंगे टू थ्री सेवन एट पे चलेंगे ठीक है क्लास कर दें ऑफ कर दें या और पढ़ाएं अभी अब या पढ़ना चाहते हो या ऑफ कर दो। आप लोग मुझे बताओ क्या आप पढ़ना चाह रहे हो या ऑफ कर दो? और क्लास कंटिन्यू करूं या क्लास को ऑफ कर दूं ये मुझे बताइए क्लास कंटिन्यू करें या ऑफ कर दें राइट है ना अब आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट टू थ्री सेवन और एट के लिए पढ़ाना है करूं कंटिन्यू या ऑफ कर दूं? कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करना है जी कंटिन्यू करना है ओ चलो चलो ये वाला भी करा देता हूं कोई बात नहीं चलो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए एक बार शेयर कीजिए तो सभी लोग कंप्यूटर ऑपरेटर मैसेज कर दीजिए टीम को इस वीडियो को प्राइवेट कर देगी या तो डिलीट कर देगी क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं ना क्लास के बाद इसको ऑफ कर दीजिएगा ठीक है चलिए बिरयानी खाने का मन कर रहा बिरयानी चिकन बिरयानी क्या खाने का मन कर रहा है चिकन बिरयानी ना लंबा शावन आ गया है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इतना लंबा सावन आ गया यार कौन इंतजार करेगा टू की पावर वन करोगे टू टू देखो भाई एक देखो सब का इसका मतलब एक ही है तो मैं केवल मैं आपको टू का बता रहा हूँ बाकी सबका सेम ही होगा टू की पावर टू करोगे फोर टू की पावर थ्री करोगे एट टू की पावर फोर करोगे सिक्सटीन का सिक्स देखो अब देखो फिर से देखो फिर से देखो टू की पावर फाइव करोगे थर्टी देखो फिर ये वाला टू आया टू की पावर सिक्स करोगे सिक्सटी फोर ये फोर फिर यहाँ पे फोर टू की पावर सेवन करोगे वन टू एट टू की पावर एट करोगे टू फाइव सिक्स ठीक है ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा ठीक है टू की पावर नाइन करोगे छप्पन हना पाँच सौ बारह टू की पावर टेन 10 करोगे एक हजार चौबीस टू की पावर इलेवन करोगे बीस अड़तालीस टू की पावर ट्वेल्व करोगे चालीस छियानवे

यहां पे एक दो तीन चार दो चार आठ छ चार आठ छ चार आठ छः फिर आगे करोगे यूनिट प्लेस ऐसे हो जाएगा इसका मतलब जो दो का देख रहे हो ना आप जो दो का देख रहे हो सेम आपको तीन का भी मिलेगा तीन का भी मिलेगा फिर सेवन का भी मिलेगा एट का भी यही मिलेगा इसका मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी होगी ये कितने के बाद रिपीटेशन हो रहा है कितने के बाद रिपीटेशन हो रहा है ये मुझे बताइए कितने के बाद रिपीटेशन होगा ये मुझे आप बताइए कितने के बाद रिपीटेशन हो रहा है सर जी नेटवर्क इश्यू है प्राइवेट मत करो सर जी ठीक है भाई नहीं करूँ कितने का इशू है ये रिपीटेशन है चार के बाद रिपीटेशन है तो चार के बाद अगर देखो इस चार के बाद रि... फिर चार के बाद चार के बाद इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी आपका कितनी हो जाएगा आपका चार हो जाएगा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा अब सुनो भाई अब आपको बताता हूँ अब सुनो अब सुनो अब सोचो ये यहां तक बात समझो पहले आप यहां तक बात समझो सब चार सबको बात समझ में आई चार क्यों आया क्यों आए बात समझ में आई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है यहां से ठीक है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया जयंती बेटा यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ये ध्यान रखना सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलना ठीक है अब देखो अगर आप फोर से अगर आप वन में डिवाइड करते हो फोर से अगर आप फाइव में डिवाइड करते हो पावर में अगर आप फोर से डिवाइड करते हो नाइन में राइट अब आप क्या करो यू कैन डिवाइड बाय फोर देखो यू कैन डिवाइड बाय फोर इन पावर पावर अगर आप डिवाइड बाय फोर करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे आपका पहले में जब डिवाइड करते हो पहले में जब आप डिवाइड करते, करते हो पावर में इससे फोर से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे वन आएगा फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर आपका टू आएगा फिर आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा आपका थ्री आएगा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा जब पावर में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा जीरो आएगा ये बात समझो क्या आएगा रिमाइंडर आपका जीरो आएगा मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो इस आप पूछोगे मेरे से सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो अभी मैं इसका लॉजिक आपको दे रहा पहले इसको नोट डाउन तो करो सही से पहले आप इसको नोट डाउन करो और दो मिनट रुको और आप अपने आप को यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सेट करो दिमाग को सेट करो कि मैं आखिर ये चीज क्यों बता रहा हूँ बाद में बताऊंगा पहले आप इसको थोड़ा सा समझो इसमें फिर सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज दो के लिए ऐसे थ्री के दो के लिए आपने ऐसा किया दो के लिए ऐसा किया ना दो के लिए दो के लिए ऐसा किया ना फिर थ्री के लिए भी ऐसा ही होगा थ्री के लिए भी ऐसे ही होगा थ्री के लिए भी रिमाइंडर वन थ्री के लिए भी रिमाइंडर टू रिमाइंडर थ्री रिमाइंडर जीरो है ना ये बात ध्यान में रखो पहले आप इसको नोट डाउन करो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा रो पहले एक बार नोट डाउन तो करो भाई बाई फोन डेढ़ फिर सर एक बार समझा दो देखो भाई केवल मैंने दो का चेक किया सेम प्रोसीजर थ्री का भी होगा सेवन का भी होगा एट का होगा क्योंकि मैं इसको एक समझ रहा हूं जिस प्रकार मैंने जीरो वन, सिक्स के लिए बताया एक ही कंडीशन जैसे मैंने फोर और नाइन के लिए कंडीशन बताया वैसे ही इनके लिए भी एक ही कंडीशन है सब तो दो के लिए देखो पहले चार के बाद रिपीटेशन चार के बाद रिपीटेशन इसका इसका मतलब से क्या हो गया चार हो गया तो चार से है ना पावर में डिवाइड करोगे चार से तो रिमाइंडर वन पावर में चार से डिवाइड करोगे पावर में तो यहाँ पर रिमाइंडर टू इस वाले में चार से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर थ्री और इस वाले में अगर आप चार से डिवाइड करोगे पावर में तो रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर जीरो अब देखो जब रिमाइंडर वन आया ठीक है ना रिमाइंडर वन आया ठीक है ना रिमाइंडर वन आया अब देखो रिमाइंडर अगर वन आया ठीक है ना तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा ना वो आएगा दो की पावर कितना आएगा दो की पावर वन आएगा ठीक है इसका यूनिट यूनिट प्लेस डिजिट आएगा दो की पावर दो आएगा इसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा दो की पावर तीन आएगा और इसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा दो की पावर जीरो नहीं दो की पावर यहाँ पे चार आएगा ठीक है जीरो करोगे तो वहन आ जाएगा ठीक है दो की पावर चार ये ध्यान रखो ये ध्यान रखो इसको नोट डाउन करो ना अभी धीरे धीरे समझ में आएगा इतना जल्दी नहीं आएगा इसको पहले नोट डाउन करिए इसको पहले आप सभी लोग नोट डाउन करिए फिर बता रहा हूँ पहले नोट डाउन जब नोट डाउन हो जाएगा तो ए ए टाइप करना आएगा समझ में जी आएगा इतना इतना टफ भी नहीं है जो नहीं आएगा समझ में ठीक है ऐसा मेरा मानना है ऐसा मेरा मानना है हो 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 हो, 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 हो ला ला। अच्छा रिमाइंडर आप चाहे जीरो भी बोल सकते हो चाहे आप इसको चार भी बोल सकते हो तो दो की पावर जीरो तो नहीं करेंगे दो की पावर चार करेंगे तो लास्ट में छः आ जाएगा ठीक है अब आपने कर लिया अभी आपने किया देखो मैं आपको समझाता हूं अब देखो मैं आपको समझाता अब देखो मैं अब ध्यान से सुनो ध्यान से समझो देखो देखो वन थ्री फाइव टू की पावर में टू फाइव सेवन है टू फाइव सेवन है टू फाइव सेवन है ठीक है अब आपको इसका रिमाइंडर बताना है ठीक है तो भाई रिमाइंडर अगर आप सॉरी इसका रिमाइंडर नहीं आपको इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताना है आपको क्या करना है देखो तो डिवाइड बाय फोर का क्या रूल है मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था ना यूट्यूब पे पढ़ाया था ना डिवाइड बाय अगर आप फोर का रूल क्या है लास्ट टू डिजिट क्या लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट तो लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई फोर कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करिए कमॉन लास्ट टू डिजिट बताया था अरे समझाऊंगा यार ऐसा तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तो तक क्लास नहीं छोड़ूंगा ये ध्यान रखना समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक, 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 तक लास्ट टू डिजिट राइट लास्ट टू डिजिट अब आप फिफ्टी सेवन में लास्ट टू डिजिट में फोर से डिवाइड कर दो चौदह चौका छप्पन रिमाइंडर कितना बचा एक बचा रिमाइंडर एक बचा तो भैया रिमाइंडर एक बचा तो दो की पावर में एक होगा आंसर क्या आएगा आपका दो आएगा सो सिंपल सो सिंपल आंसर क्या आएगा आपका दो आएगा आंसर क्या आएगा आपका दो आएगा ठीक है अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर रंजीत ठीक है अभी आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से राइट right. है ना बेहतर ये क्या हो गया भाई ये तो प्रोबेबिलिटी पे मैं आ गया ठीक है ठीक है क्लियर मेरी बात सबको समझ में आ रही है है ना रुको देखो मैं बताता हूँ देखो मैं बताता हूँ सभी लोग रेडी है सर किस टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है रंजनी शर्मा आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो ना टेलीग्राम का लिंक क्या है मेरा कमेंट सेक्शन से में कमेंट करके बताओ सी सैट बाई संजय कुमार Csat बाई संजय कुमार सा। ठीक है सी सैट बाई संजय कुमार सा आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो ना आप देखो देखो ये देखो ऐसा एक चार्ट बनाओ ऐसा एक चार्ट बनाओ ऐसे सम एम फंड ऐसा एक चार्ट बनाओ ऐसे सम एम फंड और यूनिट प्लेस डिजिट के लिए ठीक है ठीक है अब देखो यहां पे आप जीरो वन फाइव सिक्स यहां पे फोर और नाइन यहां पे आप क्या लिखोगे टू थ्री सेवन और नाइन टू थ्री सेवन और नाइन देखो भाई जीरो सिक्स के लिए जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो सेम डिजिट होगा सेम डिजिट होगा मतलब वही रहेगा वही रहेगा ठीक है फोर और नाइन के लिए ध्यान से सुनो फोर और नाइन के लिए जो है ये आपको समझना पड़ेगा यहां पे ठीक है फोर नहीं देखो फोर के लिए देखो एक तो होगा इधर आपका ऑड ऑड का मतलब विषम ठीक है एक इधर होगा इवन इवन का मतलब आपका सम ठीक है देखो फोर अगर ऑड होगा और ये आपका क्या है नाइन ध्यान से सुन ध्यान से सुन अगर फोर है ऑड तो आपका फोर होगा नाइन होगा तो आपका नाइन होगा इवन है तो यहां पे सिक्स होगा यहां पर है तो आपका वन आएगा ध्यान से समझो फोर और नाइन का कॉन्सेप्ट समझो फोर और नाइन का समझो फोर और नाइन का समझो ठीक है फोर और नाइन का आपने समझ ही लिया ठीक है फोर और नाइन के लिए आपने समझ लिया अच्छे तरीके से ठीक है ठीक है अब देखो अब देखो अब देखो यहां पे रिमाइंडर यानी कि शेष पर ठीक है अगर रिमाइंडर ठीक है अगर रिमाइंडर यहाँ पे एक रहा रिमाइंडर दो रहा रिमाइंडर आपका तीन रहा रिमाइंडर आपका जीरो या चाहे चार रहा जीरो या चार रहा अब देखो भाई अब देखो अब देखो सभी लोग ध्यान से देखना सभी लोग ध्यान से देखना भाई भाई सभी लोग ध्यान से देखना राइट अगर दो की बात करें अगर दो की बात करें अगर दो का रिमाइंडर अगर वन रहा तो आंसर क्या आएगा आपका ये आपका अब आपका ये रिमाइंडर है ना अभी आपका यूनिट प्लेस डिजिट है यू पी डी इसका क्या आएगा दो आएगा फिर दो इसका फिर क्या आएगा चार आएगा आंसर फिर क्या आएगा चार दूनी आठ चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह आठ दूनी सोलह तीन रहा ठीक है तीन का यूपीडी तीन का तीन तीन है ना? तीन तीने का तीन तीन नौ नौ सत्ताइस सत्ताईस इक्यासी राइट है ना? दो तीन सात का यूपीडी सात का सात एक सात सात सत्य उनचास के नौ नौ सते तिरसठ के तीन के तीन सत्य इक्कीस के एक राइट फिर नाइन रहा नाइन ना, 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 का यूपीडी नाइन कहाँ लिख दिए दो थ्री सेवन दो तीन सेवन एट होगा ना यहाँ पे एट होगा ना एट होगा ना एट एट गलत तो नहीं कर रहा हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो सर हाउ टू टेक आउट रिमाइंडर रिमाइंडर कैसे अभी आपको बता इंटरनेट इंटरचेंजिंग डिजिट थोड़ा और कवाइए ना सर रिमाइंडर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया रिमाइंडर वाला आपको नहीं पता रिमाइंडर जो पावर होगा ना उसको डिवाइड करेंगे ना फोर से ये रिमाइंडर कैसे आ रहा है रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर के, के लिए पावर में पावर में डिवाइड बाय फोर डिवाइड बाय फोर जो भी पावर होगा उसको डिवाइड बाय फोर करेंगे और डिवाइड बाय फोर का रूल राइट है ना डिवाइड बाय फोर का रूल क्या है लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक है मेरा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है अभी देखो ये टेलीग्राम लिंक है सीसेट स्पेस पोर्टल या ये यानी तो सी स्पेस बाय संजय कुमार शाह यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है लास्ट टू इज इट क्लियर यस लास्ट टू डे ठीक है ओके ये बात ध्यान रखा मैंने दो लिखा दो का मल्टीपल दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह

पहले इसको नोट डाउन करो पहले इसको नोट डाउन करो क्लियर अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं ठीक है ठीक है सर आज की क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं एनसीईआरटी क्लास के लिए मैंने कर लिया है कल से मैं सोच रहा हूं आपके लिए मैं इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट कर दूँ ठीक है जो कंपलसरी वाला जो सेक्शन है उसके लिए ठीक है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो ना सी सेट स्पेस बाय संजय कुमार सा सी सेट स्पेस बाय संजय कुमार सा देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है पहले मैं इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ तब जाके आपको समझ देखो भाई फोर सेवन टू एट के पावर एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन वन टू थ्री वन टू थ्री फोर थ्री थ्री सेवन टू नाइन टू ठीक है तीसरा क्वेश्चन फाइव नाइन्टी सेवन की पावर फाइव नाइन्टी एट ठीक है फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन एट टू एट फोर फिफ्थ वन टू थ्री फोर राइट एट नाइन एट सेवन सिक्स सिक्स क्वेश्चन छ सौ अंठानवे छ सौ संतानवे बताइए देखिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान से सुनो 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 अभी सुनो सुनो आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से देखना देखो लास्ट टू डिजिट ट्वेंटी वन में ट्वेंटी वन में आप फोर से डिवाइड करिए फोर फाइव जाए ट्वेंटी रिमाइंडर वन बचा ये आठ है ना तो आठ की पावर वन करेंगे तो आपका आंसर आठ सो पहले नोट पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो प्लीज टेक यूर टाइम प्लीज टेक यूर टाइम टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना राइट अभी होमवर्क नहीं है यार अभी क्वेश्चन अभी तो प्रीवियसर क्वेश्चन भी कराऊंगा ढोको लो लो इतना जल्दी क्यों है कहीं जाना है क्या आपको हुँ? कहीं जाना है तो बताओ सभी लोग आराम से पहले सोचो राइट ओके झांसी के लिए आप हो झांसी तो मैं आऊंगा झांसी तो मैं आऊंगा झांसी झांसी तो मैं पक्का आऊंगा डेफिनेटली आई विल बी देयर इन झांसी श्योर झांसी बहुत जल्दी झांसी बहुत जल्दी झांसी बहुत दे, जल्दी दे, देखो भाई जब भी हो ना देखो जब भी हो ना जैसे थ्री है ठीक है तो थ्री के लिए भी आपको क्या करना फोर से डिवाइड करना पड़ेगा फोर से नाइनटी टू चौका बानवे कंप्लीटली तो थ्री की पावर आप क्या ले लो फोर तो ले लो फोर ले लो देखो थ्री की पावर फोर ले तो थ्री थ्री की पावर वन कितना आएगा थ्री न, न, थ्री थ्री या नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री या एटी वन आंसर क्या आएगा आपका वन आएगा भाई पावर अगर कैंसिल हो गया तो पावर में फोर अगर पूरा पूरा कंप्लीटली अगर रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो पावर में क्या लेना है आपको फोर लेना है ये ध्यान देना ठीक है क्लियर अब देखो जैसे फोर है फोर्थ से अगर आप नाइनटी एट में डिवाइड करोगे चौबीस चौका छियानवे नाइन्टी सिक्स रिमाइंडर कितना बचा टू तो सेवन की पावर टू करो सेवन से जब फोर्टी नाइन आंसर कितना आएगा आपका नाइन आएगा आएगा आंसर नाइन सर नाइन आएगा आराम से समझिए आराम से ठीक है आराम से समझिए वैसे एट्टी फोर है फोर से फिर भी कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली कैंसिल फोर्स एट्टी फोर इक्कीस चौका चला कंप्लीटली कैंसिल ये टू है तो टू की पावर आप क्या लेना है फोर कितना आएगा सिक्स आएगा एट है ये नाइन है नाइन में जब फोर से डिवाइड करोगे फोर टूट रिमाइंडर कितना होगा तो एट की पावर करो कितना आएगा एट आएगा ये नाइन एट की पावर वन करो कितना आपका एट आएगा सर आई बात समझ में अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन जीरो ने, जीरो करोगे तो वन आएगा ना किसी भी चीजों की पावर अगर हम जीरो करते हैं तो वो वन आता है किसी के चीजों की पावर अगर हम जीरो करते हैं तो आपका वन आता है ठीक है अब देखो ना मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूं इसी साल का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं इसी साल का इसी साल का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं यूपीएससी का ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ हो, 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 हो ला, 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 देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं इसी साल का दिखाता हूं देखिएगा अभी कि नहीं हम्म, ट्वेंटी वन ये किसका है ये कौन सा टू थाउजेंड ट्वेंटी का है अच्छा ये होगा सर ये है ये कौन से ईयर का है ये कौन से ईयर का है ye bhi nahi hai hmm hmm ye bhi nahi na ye nah? ye ये भी नहीं है रुको कोई मुझे क्वेश्चंस बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो ऐसे भी नहीं जाना है हमें ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए क्वेश्चंस तो सॉल्व करना है क्वेश्चंस तो सॉल्व यहाँ से नहीं हुआ यार तो यूपीएससी के साइट से निकालेंगे अभी क्वेश्चन ठीक है आपके पास है क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन यूपीएससी के साइट से निकालेंगे अपन क्वेश्चन यार होगा मेरे पास इसमें इसमें मेरे पास होगा अभी कब क्वेश्चंस कब एग्जाम हुआ था आप मुझे बताओगे ट्वेंटी मई को हुआ था ना ट्वेंटी मई को हुआ था ना ट्वेंटी मई को हुआ था तो ट्वेंटी मई को हुआ था ना तो ये रहा रुक जाओ हाँ हाँ ये रहा क्वेश्चन ये है मैंने बोला ना क्वेश्चंस तो होगा क्वेश्चंस तो होगा यही है ना हाँ यही है ठीक है अब रुक जाओ थोड़ा सा थोड़ा सा रुक जाओ क्वेश्चंस निकालने दो क्या था क्वेश्चंस यूनिट प्लेस डिजिट वाला था नहीं ये देखो क्वेश्चन ये देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है इसी साल का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था ठीक है आप देखो ध्यान से देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए यूनिट डिजिट आपको बताना है यूनिट डिजिट बताना है ठीक है फाइव सेवन टू फोर टू के पावर नाइन सेवन फाइव थ्री वन मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ठीक है आराम से देखो फाइव सेवन टू फोर टू केवल टू का पेपर छ यह नाइन इंटू सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू वन पहले आप इसको टोटल मल्टीप्लाई कर दो फिर आप करो सॉल्व पहले आराम से करो आराम से सॉल्व सबका आंसर आना चाहिए राइट हो हो लो क्यों इतना एनर्जी डाउन हो रहा है हम्म इतना जल्दी एनर्जी क्यों डाउन हो रहा है साहब हैं कैसे काम चलेगा जब आपकी एनर्जी इतना जल्दी डाउन हो रही है तो क्लास कैसे होगा इज इट क्लियर कैसे काम चलेगा इतना ऐसे पढ़ोगे तो काम चलेगा मेहनत तो करना पड़ेगा ना जी अपने आप को रगड़ के पढ़िए ना रगड़ के मेहनत करिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर ओके क्योंकि यहां पर मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ पूड़ियान अकेडमी की टीम आपके लिए हार्डवर्क कर रही है इज इट क्लियर यस या नो सो सेशंस को लाइक करिए शेयर करिए और ज्वाइन करिए ओके yeah, okay. मेरा सी सेट का भी न्यू बैच आ रहा है देखो भाई सबसे पहली बात हमें इसका टोटल मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया इसी साल का क्वेश्चन है ये यस ये नो आप मुझे बता टोटल मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया बताओ कितना आया बताओ फाइव सेवन टू फोर टू कितना आया मल्टीप्लाई करके नाइन फोर्टी फाइव चलो ठीक है नाइन फोर्टी फाइव आया लास्ट टू डिजिट में फोर्टी फाइव में फोर से डिवाइड करो इलेवन फोर या फोर्टी फोर रिमाइंडर वन भाई साहब टू की पावर वन करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका टू आएगा क्या आंसर आएगा आपका आपका कितना आएगा आंसर टू आएगा कितना आएगा आपका आंसर टू आएगा आएगा टू तो आंसर आपका ए होगा अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन टफ था या मुश्किल था अब आप मुझे बताओ सर कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या हो गया तुमको तुमको क्या ऐसी चीज आ गई जो तुमको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, है? कुछ कुछ होता है क्या तुम्हें बताऊं नहीं कुछ कुछ होता है मैं समझ रहा हूँ राइट वन एट नाइन की पावर वन एटी टू फोर सिक्स की पावर टू फोर्टी सेवन एट नाइन थ्री फोर टू एट की पावर थ्री नाइन सेवन सिक्स एट टू ओके यस या नो फिफ्टी टू की पावर सिक्स थ्री सेवन टू एट नाइन राइट ओके सेवन नाइन की पावर एट सिक्स एट टू एट थ्री ओके एट सेवन की पावर एट्टी एट एट्टी नाइन बताओ ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए ठीक है ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए ठीक है अभी इसमें और भी चीज आपको पढ़ाना बाकी है ठीक है तो ये मत सोचना कि अभी हो गया बस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए अन अकेडमी के ऐप पे मुझे फॉलो कर लीजिए किसी को अन अकेडमी की तरफ से कोई भी कॉल आए आप इस कोड को यूज करिएगा ये एस के एस टेन कोड है कैसा रहा क्लास आज आपका क्या आप इसको शेयर करोगे क्या आप इसको शेयर करोगे सर मैंने इज इट क्लियर चुलमुला इज इट क्लियर कौन कौन शेयर करेगा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम का लिंक है सी सैट संजय कुमार सा ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच एंड टेक केयर बाय बाय कल फिर मिलते हैं के आप पे फॉलो कर लीजिए बाकी अभी फिर से बता दू अन की तरफ से कोई भी कॉल है अगर आप अन को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा कोड जरूर यूज करें ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोड यूज करोगे तो केवल मेरी ही क्लास मिलेगी नहीं आपको सभी एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी जिस एजुकेटर से मन करे उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो तो लेकिन मेरा पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा आपके साथ राइट right, ओके okay, तरफ से कोई भी कॉल आ रहा है आई टी जितना हो सकेगा मैं उतना हेल्प करूंगा हर चीज को सिम्पलीफाई करके आपको समझाऊंगा ठीक है थैंक यू गॉड ब्लेस यू टेक केयर बाय बाय टेक केयर को जो है आंसर इसका दे देना मुझे